माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके पहले जो मेरी हिस्ट्री की वीडियो थी एम सी क्यू उसमें मैंने क्वेश्चन वन से लेकर फिफ्टी तक क्वेश्चन डाला था आज फिफ्टी वन से शुरू करते हैं ये भी चैप्टर वन का ही है तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का मेरा पहला क्वेश्चन है और चैप्टर वन का फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन फिच डायनेस्टी एलुमिनेटेड बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट प्रज्ञा परमिता और पयंकर और धरनी टेक्स्ट ये सब किस से रिलेटेड है चार ऑप्शन वहां पे दिए गए हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पाला क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हु टू नोटिस द फेमस कालीघाट पेंटिंग द करेक्ट आंसर इज सी विलियम आर्चर Question number 53 Who wrote a handbook of Indian art The correct option is B Ernest Benfield Havel Question number 54 Who came to be noted for painting as well as open air monumental sculptures The correct answer is C Ramkinkar Baij Now क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द कला भवन ऑफ शांति निकेतन एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट आंसर इज डी नंदलाल बोस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग इंडियन पेंटिंग का पिता किसको कहा जाता है द करेक्ट आंसर इज ए अभरिंद्रनाथ टैगोर Question number, now question number 57. Which place in India was the center of the renaissance of modern painting? The correct answer is C. Calcutta, now Kolkata. Question number 58. In which year was the Calcutta Art School established? The correct answer is D. 1864.

1864. Now question number 61. When was the Calcutta School of Industrial Arts established? The correct answer is A, 1854. Now question number 62. When was the Photographic Society of Bengal established? The correct answer is B, 1856. अगला क्वेश्चन है सिक्सटी थ्री वेन डिड द इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कम इंटू एग्जिस्टेंस द करेक्ट आंसर इज सी नाइनटीन अगला क्वेश्चन है सिक्सटी फोर नंबर नेम द दुमन फोटोग्राफर हु ओपन अ स्टूडियो एट मानिकल्ला इन नॉर्थ कलकाता या कोलकाता the correct answer is c miss wins now question number 65 colonel mahim Chan thakur published his paper in the correct answer is a bhandar agla question hai question number 66 who was the pioneer of x ray Photography in India. The correct answer is B. Jagdish Chandrabose. Question number 67. History of Indian and Eastern Architecture 1876 was written by the correct answer is C. James Ferguson. Question number 68. हु कंट्रीब्यूटेड मच टू द अर्बन हिस्ट्री ऑफ इंडिया द करेक्ट आंसर इज बी नारायणी गुप्ता अगला क्वेश्चन है हस्तिनापुर इज द एंशियंट नेम ऑफ चार ऑप्शन दिया गया है बनारस इलाहाबाद और दिल्ली और इसका करेक्ट आंसर है डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द फर्स्ट एक्सरे डायग्नोसिंग डिजीजेस वॉज इनिशियटेड बाई द करेक्ट आंसर इज ए डॉक्टर नील रतन सरकार अगला क्वेश्चन है सेवेंटी वन इन विच ईयर वॉज द मॉडर्न सिटी ऑफ कलका फाउंडेड द करेक्ट आंसर इज सी सिक्सटीन नाइनटी सोलह सौ नब्बे में जॉब चाणक ने हुगली नदी के दलदली किनारे पे एक शहर की स्थापना की जिसका नाम कलकत्ता पड़ा जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं तो करेक्ट आंसर इज सी 1690 अगला क्वेश्चन है 72 बाबा साहेब फाल्के अवार्ड इज प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ द करेक्ट आंसर इज बी सिनेमा नाउ क्वेश्चन नंबर 73 थ्री एके बोले शूटिंग बंगला शब्द है जिसका मतलब इसको ही बोलते हैं शूटिंग वॉज रिटेन बाय द करेक्ट आंसर इज सी सत्यजीत रे क्वेश्चन नंबर 74 द स्टडी ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री फर्स्ट बिगेन इन ऑप्शन नंबर बी सही है रोमन एम्पायर अगला क्वेश्चन है Question number 75 what was the punjab's camel rider song called the correct answer is a tappa t a -P, p a now question number 76 give one example of bhanja style of architecture in bengal and the answer is a dakshineswar kali temple क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन हु बुक द मेकिंग ऑफ अ न्यू इंडियन अर्थ और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धापति गुहा ठाकुरता क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट नेम हिस्टोरियन हु मेड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मेडाइवल सिटीज इन इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज बी अनिरुद्ध रॉय अगला क्वेश्चन है

उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 वन आत्मीय कुमार बंदोपाध्याय तारापता संत्र हितेश रंजन सन्याल एंड रतनलाल चक्रवर्ती रोड ऑन द डिजाइन एंड आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द करेक्ट आंसर इज ए बेंगाल क्वेश्चन नंबर 82 टू जिग्रस वर द फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ

ज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द करेक्ट आंसर इज सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगला क्वेश्चन है 86 नंबर हु रोड द हिस्ट्री ऑफ साइंस और विज्ञान इतिहास और इसका सही ऑप्शन है डी समर सेन पूरा नाम है समरेंद्र नाथ सेन क्वेश्चन नंबर 87, सेवन हु कंपोज द बुक टेक्नोलॉजी इन मेडाइवल इंडिया द करेक्ट आंसर इज सी इरफान हबीब नाउ क्वेश्चन नंबर एटी एट हुटेड द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी कॉपर निकस अगला क्वेश्चन है एटी नाइन जॉन मैक्स Book on chemistry in Bengali was published from the correct answer is C. Sirampur Press. Question number 90. In which year was the civil engineering department opened in Hindu college? The correct answer is A. 1843. Agla question hai, 91. Who published the first book रेस्पॉन्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग फ्रॉम लंडन और इसका सही जवाब है बी जगदीश चंद्र बोस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू नेम द बेंगाली पर्सनैलिटी हु ऑथर्ड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन ज्योग्राफी फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी दो बार ज्योग्राफी लग रहा है में, स्प्रिंट हो गया है इसका करेक्ट आंसर है डी अक्षय कुमार दत्ता क्वेश्चन नंबर कालाजर थ्री स्टेटमेंट बुक का नाम है कालाजर इट्स स्टेटमेंट किसने लिखा है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है डॉक्टर यू एन ब्रह्मचारी पूरा नाम है उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी क्वेश्चन नंबर 94 फोर इन हर वर्क विमेन इन इंडिया कंसिडर्ड विमेन्स रिसेंट हिस्ट्री फ्रॉम द नाइनटीन सेंचुरी अंडर द कॉलोनियर रूल वहां से लेके टू द ट्वेंटी सेंचुरी आफ्टर इंडिपेंडेंस और इसका करेक्ट आंसर है सी गैरल फोर्ब क्वेश्चन नंबर नाइंटी फाइव हु एडिटेड फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी A. Significant work on women history And the correct answer is A. B. R. Nanda Question number 96 Which among the following is considered as the primary source material for the reconstruction or study of modern Indian history? And the correct answer is B. Government documents Question number 97. Where are the governmental records of Indian administration preserved? The correct answer is A. State and national archives. Agla question hai 98 number. Police diary and intelligence report form a part of the correct answer is C. Primary source. क्वेश्चन नंबर 99। नाइन ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन की कहानी या अपने जीवन के बारे में खुद जिस बुक में लिखता है उस बुक को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स आर कंसीडर्ड एज द करेक्ट आंसर इज बी सेकेंडरी सोर्सेस क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड लास्ट Who is known as father of revolutionary thought? The correct answer is C. Bipin Janpal. Okay. Thank you.